दोस्तों, क्या आप लोग मेरा राशन 2.0 में आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग लॉगिन करके आप लोग अपने राशन कार्ड में नाम को जोड़ना चाहते हैं या कोई नाम को हटाना चाहते हैं या आप लोग करेक्शन करना चाहते हैं, राशन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब ये 2.0 आ गया है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग लॉगिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको लाइव यहाँ पे लॉगिन करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन किया हूँ तो यहाँ मेरा राशन, लॉगिन लाभार्थी उपयोगकर्ता विभाग उपयोगकर्ता। तो जैसे आप लोग लाभार्थी हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख दिया हूँ, और जैसे आप लोग अपना आधार कार्ड देखना चाहते हैं, गलत तो नहीं हुआ है, तो यहाँ आई वाले पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो कर रहा है, इस कैप्चा को आपको सही सही फिल करना होगा। यहाँ पे क्लिक करना है, मैं आपको लाइव यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आई जो आप में कैप्चा शो करे उसको यहाँ पे आपको फिल करना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कैप्चा को यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं। फिर यहाँ OTP से लॉग इन करें, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ OTP सेंड, मेरे नंबर पे OTP सेंड हो गए, फिर हमें यहाँ ठीक है यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ OTP सत्यापन, यहाँ मेरे नंबर पे OTP आ गया, उस OTP को हमें यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैं कोड को डाल देता हूँ, मेरे में आ गया है 78, जो आप में आए उसी को डालना होगा। फिर 53, फिर 48 यहाँ पे डाल दिया हूँ। फिर यहाँ सत्यापित करें, हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आप लोग देख पाएंगे, मैं आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। फिर हमें यहाँ ठीक है यहाँ पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप लोग यहाँ पे पिन बनाना चाहते हैं तो एम पिन बना सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग एम पिन बना लेंगे, दोबारा लॉगिन करने के लिए सिर्फ आपको एम पिन डालना होगा, आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए राशन कार्ड शो करा। आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे राशन कार्ड नंबर देख सकते हैं, सभी एड्रेस देख सकते हैं। और जैसे आप लोग यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर में नाम देखना चाहते हैं, किसका किसका नाम है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये सभी डिटेल को देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको देखिए लाइव लॉगिन करके दिखाया हूँ, अगर आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपको वीडियो को लाइक करना होगा। जैसे इसका लाइक कर देना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ कमेंट वाले पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको राशन कार्ड में लॉगिन से रिलेटेड या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है। फिर जैसे आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपको मैं लॉगिन करके दिखा दिया हूँ, आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ प्ले स्टोर यहाँ पे जाना होगा, और फिर आपको यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मेरा राशन यहाँ पे इतना लिख के सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा राशन 2.0। और यहाँ पे अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपडेट कर लेना है। फिर इतना करने बाद यहाँ से बैक आ जाना है, फिर देख लेना है मेरा राशन एप्लीकेशन कहाँ पे है। जैसे मेरे में यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे ऐसे प्रेस करना होगा। फिर यहाँ ऐप इन्फो यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ प्रोसेस चलेगा, और फिर यहाँ स्टोरेज यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे क्लियर डाटा यहाँ पे क्लिक करना है, क्लियर ऑल डाटा यहाँ पे क्लिक करना है, ओके वाले पे क्लिक करना है, डाटा को क्लियर कर देना है, फिर बैंक आ जाना है। फिर आपको एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद फिर ऑन करना है, आपको इतना प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। फिर आप लोग जैसे लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको मेरा राशन यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो परमिशन मांगे सभी परमिशन को आपको अलाउ करना है, और जैसे अलाउ कर दिया हूँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फिर यहाँ पे जो भी आप लोग लैंग्वेज रखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर इतना करने के बाद ये सुना गए मेरा राशन, और यहाँ गेट स्टार्टेड हमें यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आ गए, यहाँ बेनिफिशियरी यूजर और यहाँ डिपार्टमेंट यूजर, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ गए। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे आधार नंबर को फिल कर दिया हूँ, फिर यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो करा इसको आपको फिल करना होगा। आप लोग इसी तरह प्रोसेस करना तो आपका बहुत आसानी से लॉगिन हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे लॉगिन विथ OTP हमें यहाँ पे क्लिक करना है, मेरे नंबर पे OTP सेंड हो गया है, ओके वाले पे क्लिक करना है। फिर यहाँ मेरे नंबर पे OTP आ गया है, OTP को इंटर कर देता हूँ, 190 369। फिर यहाँ वेरीफाई हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ
OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। दोस्तों यहाँ पे OTP वेरीफाई हो गया, ओके वाले पे क्लिक करना है। फिर जैसे आपको MPIN बना लेना है, MPIN से आपको फायदा ये रहेगा, कभी आप लोग लॉग करना चाहते हैं इसके माध्यम से आप लोग बहुत आसानी से बहुत जल्द लॉग कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट नाउ यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे MPIN को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे चार नंबर का कोई भी आप लोग MPIN को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से यूनिक MPIN रखिएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको उसी को कंफर्म कर लेना है और फिर इतना करने के बाद क्रिएट MPIN आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे सुकरा योर MPIN कोड हैज बीन सेव, यहाँ पे सेव हो गए। फिर आप लोग इसके माध्यम से दोबारा लॉग इन कर पाएंगे, ओके वाले पे क्लिक करना है, परमिशन के अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसे स्किप कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे राशन कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फैमिली मेंबर के नाम को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जिसका जिसका नाम है आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। और जैसे आप लोग राशन कार्ड में कुछ अपडेट करवाएं, कुछ चेंज करवाएं तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे स्टेटस को देख पाएंगे। और जैसे यहाँ पे आप लोग नियर बाय आप लोग अपना देखें APP शॉप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर राशन कार्ड को एक जगह से दूसरे जगह के लिए दूसरे लोकेशन पर आप लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके फैमिली मेंबर में जो जो यहाँ पे हैं जो राशन कार्ड में ऐड है यहाँ पे सभी शो करेंगे। अगर आप लोग नाम को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड न्यू मेंबर यहाँ पे क्लिक करके मेंबर को ऐड कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट वाले पे क्लिक करके उस मेंबर को यहाँ से हटा सकते हैं। कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पेंसिल वाले पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पे नाम में कुछ मिस्टेक वगैरह है तो उससे भी अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि आप लोग मेरा राशन 2.0 को कैसे लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट में आपको यूज करने के तरीके बता दिया हूँ, इससे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करें, उस पर वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे इनका कुछ न्यू अपडेट आता है या और कोई योजनाएं की अपडेट आती है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए।